वादियों की बाहों में, वादियों की बाहों में, बर्फ की चादरों में ढटी हुई है 118। 118 नाम है जिसका, है उसका पहचान बस इतना, ना आतंक अपना सिर उठा पाए, हर एक नागरिक अमन में। अपने देश और बल की गरिमा की खातिर उनका सीना चीर देंगे हम, हर मुश्किल बाधा से लड़के विजयी वीर होंगे हम। जय हिंद, जय भारत। सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार सोनी सीआरपीएफ की उस 118 बटालियन के जवान हैं, जो समुद्र से 9000 फुट की ऊंचाई पर देश की रक्षा के लिए तैनात है। ये गांधरबल जिले का गुंड इलाका है। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर इस जगह पर सीआरपीएफ की सबसे ऊंचाई पर तैनात बटालियन है। इस ऊंचाई पर ऐसी ठंड पड़ती है कि तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है और सब कुछ जम जाता है। अगर हम यहां ठंड की बात करें तो बेतहाशा ठंड है। ये वो ठंड है जो कपकपी छुटा देती है, क्योंकि मैं खुद यहां आपको बता दूं करीब 6-7 लेयर मैंने कपड़ों के पहने हुए हैं ताकि मैं इस ठंड से बच सकूं। जरा तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए, जो जवान यहां पर ड्यूटी देते हैं वो किस तरीके से देश के सीमा के अंदर की रक्षा करते हैं, यही हम आज आपको दिखाएंगे। सीआरपीएफ पर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। गांधरबल में तैनात बटालियन 118 पर सोनमर्ग तक की सुरक्षा का जिम्मा है, यानी इस पूरे इलाके में मौजूद किसी भी आतंकी के लिए सीआरपीएफ के जवान काल बनकर घूमते हैं। मैं इस वक्त सोनमर्ग से पहले हूँ और चारों तरफ बर्फ है, बर्फ के पहाड़ है और ठीक इसी बीच आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो है यहाँ एक तरह से कहें तो सुरक्षा में तैनात हैं। मैं आपको बता दूं अभी जिस वक्त हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ का तापमान -9 डिग्री है। 0 से 9 डिग्री कम, यानी हड्डियां गला देने वाली ठंड, कड़ाके की इस ठंड में इन जवानों के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है बर्फ की मोटी बर्फ। जब बर्फबारी होती है तो यहाँ 10 से 15 फीट तक बर्फ जमा हो जाती है, तो इस तरह का डिप्लॉयमेंट सीआरपी में बहुत कम है और ये इसी हिसाब से ये अनूठी बटालियन है यहाँ पर। अच्छा। और विषम परिस्थितियों में काम कर रही है। किस तरीके से बर्फ में घुसकर, बर्फ में डूब कर एक तरह से ड्यूटी को अंजाम देते हैं, ये देखिए आप, बर्फ यहाँ पर कई कई फीट बर्फ जमा है और इनकी टांगे पूरी तरह से धंस जाती हैं बर्फ के बीच में और उसमें ही ड्यूटी को अंजाम देना होता है। और सबसे मुश्किल होता है इस बर्फ में चल पाना और बर्फ के फिसलने का खतरा, और ये तब है जब ये रूटीन ड्यूटी देते हैं। लेकिन आप अंदाजा करिए जब कोई खतरा होता है उसमें इस बर्फ से संभलना भी होता है और इस बर्फ में दुश्मन का मुकाबला भी करना होता है। आप देखिए किस तरीके से पैर जो है वो स्लिप कर रहे हैं, ये देखिए। आपको बता दें कि हालत तब है जब इस बार यहाँ हल्की बर्फबारी हुई है। आमतौर पर यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि दिसंबर से मार्च तक चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ से सोनमर्ग तक जाने वाली सड़क भी नजर नहीं आती। पानी बहुत जल्दी जम जाता है, सड़क पे पानी जम जाएगा, वाहन हमारे नहीं जा पाते हैं, जो जवानों को ड्यूटी पे जाना है, गांधरबल जाना है, कहीं और जगह जाना है, वो मूव नहीं कर पाते हैं वाहन, उसमें दिक्कत आती है, पानी की प्रॉब्लम आती है। ठंड बर्फ के टाइम पे कम रहती है, अगर बर्फ ना पड़े तो ज़्यादा महसूस होती है। देखिए किस तरीके से यहाँ तैनात है, बर्फ के बीच में लेटे हुए हैं, ये देखिए, बिना किसी परवाह किए, बिना अपने शरीर की, बिना खुद की परवाह किए किस तरीके से तैनात है हमारे सीआरपीएफ के जवान। तो ये वो तस्वीर है जो किसी को भी गौरव से भर देगी। सीआरपीएफ के जवान जिस जगह की पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो सिंध नदी का इलाका है। यहाँ एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ घने जंगल, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में इन जवानों को कई बार घंटों ऐसे ही बर्फ पर लेटे रहना पड़ता है। इन्हीं खतरों के बीच हमारे देश के बहादुर जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। ये वक्त है इनको सलाम करने का, क्योंकि ये रक्षा करते हैं सीमाओं के अंदर ताकि महफूज रह सके हम। ये तस्वीर देखनी चाहिए किस तरीके से ये लोग
विपरीत परिस्थितियों में विपरीत मौसम के बीच अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। कैमरा पर्सन अरशद हुसैन के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज सोनभद्र। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।